ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। फिल्म है ट्रेन टू पाकिस्तान और किरदार है नूरन का, जिसे स्मृति मिश्रा ने निभाया है। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। किरदार में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान और इसके एक अहम किरदार नूरन की। इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक और हमार सिनेमा के एडिटर गीता सिंह। गीता जी, इंसानी रिश्तों की खूबसूरत कहानी कहता है ट्रेन टू पाकिस्तान, क्या मानती हैं आप? ट्रेन टू पाकिस्तान हाँ, एक ऐसी फिल्म है जिसे भारत से ज्यादा दूसरे देशों में इसे सराहा गया और इसे बहुत ही ज्यादा कई फिल्म फेस्टिवल्स में इसको अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई। ये फिल्म खुशवंत सिंह के एक हिस्टोरिक नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान पे ही बेस्ड है और उसी की कहानी को कहती है। उसके जरिए ये कॉम्प्लेक्सेस, जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंसानी जज्बातों को अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। मुल्क के तकसीम के वक्त की कहानी है ये जो फिल्म कहती है, इसमें क्या खास बात आपको लगी? ट्रेन टू पाकिस्तान एक ऐसी सेंसिटिव फिल्म है कि आप इसकी मेकिंग की कहानी सुन के ही समझ जाएंगे कि कितना ऐसा विषय है ये कि इसको कई लोगों ने इस पे बनाने के लिए सोचा, लेकिन स्क्रीन प्ले पे काम करने के बाद वो रुक गए। मसलन की इसे स्माइल मर्चेंट ने सबसे पहले बनाने की सोची और उस दौर में उन्होंने पैमेला रूक्स को ही ये किरदार देने का भी सोचा था। पैमेला रूक्स उस वक्त 17 साल की थी जब उन्हें इस नॉवल के बारे में पता चला और स्माइल मर्चेंट ने ही पढ़ने के लिए दिया था, तो वो तो इस नॉवल के साथ इतना जुड़ गई कि उन्हें लगा ये फिल्म बननी चाहिए, पर ये बन नहीं पाई। उसके बाद शशि कपूर इस फिल्म पे काम करना शुरू किए, फिर शशि कपूर जिन्होंने जुनून तो बनाई लेकिन वो भी रुक गए, उन्हें लगा मैं ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैं इसे छू नहीं सकता। उसके बाद शबाना आजमी ने इस पे काम करना शुरू कर दिया, फिल्म की कहानी लिखी गई, स्क्रीन प्ले भी हो गया, डायलॉग्स भी लिखे गए, पर जब वो नॉवेल के साथ उन्होंने फिल्म को रिलेट करते हुए आगे बनाने की सोची तो उन्हें लगा नहीं, कहीं ना कहीं मैं इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, या कहीं उनके अंदर घबराहट थी तो उन्होंने भी काम छोड़ दिया। फिर इस फिल्म को पामेला रूक्स ने खुद बनाने की सोची और उन्होंने बनाई भी। गीता जी, इंसानी रिश्तों को बहुत खूबसूरती से कहती है ये फिल्म। जो ट्रेन पाकिस्तान से आती है, अटारी आती है और फिर क्या होता है, जरा बताएं हमारे नाजरीन को। इस फिल्म की कहानी एक पंजाब के एक बॉर्डर पे लगे गांव की कहानी है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग एक साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं और नूरन उसी में से एक ऐसा किरदार है जो एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी। पर जब देश का बंटवारा होता है और उसके बाद जब पहली ट्रेन पाकिस्तान से आती है, उसके बाद दंगे भड़कते हैं क्योंकि उसमें लाशें ही लाशें ट्रेन में नजर आती हैं। उसके बाद यहाँ भी लोगों के मन में एक दूसरे के लिए हिंसा घृणा आ जाती है और उसी नफरत के साथ वो एक दूसरे को मारने की सोचते हैं। और यहाँ से भी जो एक ट्रेन जाने वाली होती है, उस ट्रेन के जाने से पहले जो लोगों की क्या सोच होती है और लोग कैसे बट जाते हैं, उसको दिखाने की कोशिश बहुत अच्छी की है कि दिल कैसे बट गए। लेकिन फिल्म का जो क्लाइमेक्स आता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह जाता है, एक बड़ा मैसेज दे जाता है कि जो यहाँ पंजाब के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ के लोग हैं, हमारे साथ पले बड़े और हमारे भाई जैसे हैं। और जितने भी मुस्लिम भाई उस ट्रेन से वापस पाकिस्तान जा रहे होते हैं उन्हें जिंदा वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वहां सही सलामत उन्हें पहुंचाते भी हैं। तो ये फिल्म का एंड होता है। गीता जी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में कई जगह भेजी गई है फिल्म, क्या रिस्पांस मिला वहां पे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमारे यहाँ से जो भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, ऐसे तो शोकेस के लिए कई फिल्में जाती हैं, पर ये वैसी फिल्म थी जिसको वहाँ एंट्री मिली, ऑफिशियल एंट्री। ऑफिशियल एंट्री मिलना बहुत मुश्किल होता है और वो कुछ ऐसे ही प्लॉट्स ढूंढते जो ओरिजिनल है, म्यूजिक ओरिजिनल है। और किरदारों से ऊपर कोई कहानी है, एक मैसेज है, तो इन सब में ये फिल्म खरी उतरती है। गीता जी, नूरन के किरदार में स्मृति मिश्रा, एक मंजी हुई अदाकारा, कितना प्रभाव छोड़ पाई हैं?
नूरन के किरदार के लिए पामेला रूक्स ने दिव्या दत्ता को भी सोचा था और बाकी दूसरी एक्ट्रेस को भी सोचा था, वो हालांकि लेना तो थिएटर बैकग्राउंड से ही चाहती थी, तो स्मृति मिश्रा को उन्होंने इसके लिए चुना। और स्मृति मिश्रा जितनी भी देर आई एक अपना एक इम्पैक्ट छोड़ती हैं, वो एक ऐसी किरदार हैं कि वो जिसमें भी आती हैं, इस अलावा उन्होंने सरदारी बेगम में भी बहुत अच्छा काम किया है, तो वो जब भी आई हैं पर्दे पर तो एक लगता है कि हाँ एक किरदार आया है और एक अपनी पहचान छोड़ रहा है। गीता जी एक आखिरी सवाल आपसे, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हश्र हुआ? ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो बिल्कुल नहीं चली क्योंकि कई जगह ये रिलीज भी नहीं हुई, भारत में भी कई जगह रिलीज नहीं हुई। और जैसा मैंने कहा कि ऐसे सेंसिटिव कंट्रीज जहां पर मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान या जीसी जितनी ऐसी कंट्रीज हैं, वो सब कंट्रीज में इसको एक तरह से बैन कर दिया गया इसके रिलीज को। तो ये फिल्म जितनी भी लोगों ने देखी वो फिल्म फेस्टिवल्स में ही देखा इस फिल्म को, और इसलिए ये ज्यादा इसके बारे में चर्चा लोगों में नहीं हो पाई। शुक्रिया गीता जी हमें ढेर सारी नई बातें बताने के लिए, जोड़ने के लिए। आज के किरदार में बस इतना ही, हम फिर होंगे हाजिर एक नए किरदार के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद अब वक्त है सियासी नेपथ्य की जानिब बेतरतीब पसरे उन खामोशियों को समेट लाने का जो किस्सा बयानी है आने वाले पलों की। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। नरेंद्र मोदी भले ही गुजरात का मैदान एक बार फिर से मारने की तैयारी में हो, उनके कई खास ताजीर दोस्तों पर यूपीए हुकूमत का शिकंजा कसने ही वाला है। समझा जाता है कि सरकारी एजेंसियों ने वैसे 7 ताजीर घरानों की शिनाख्त कर ली है जो इस गुजरात इंतखाब में मोदी के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जराए बताते हैं कि इस कड़ी में पहला नाम गौतम अदानी का हो सकता है। सरकार अदानी को जोर का झटका धीरे से लगाने को तैयार है। सबसे पहला मामला अदानी ग्रुप के जरिए मुल्क से बाहर के मंसूबों में लगाए गए पैसों को लेकर है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इस पर लगने वाला हर्जाना भी 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का हो सकता है। आज के एपिसोड में हम शामिल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के दानिश अनवर का पैगाम। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम है, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने प्रोग्राम के जरिए तालीम और इल्म से जुड़े मसाइल को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं जिससे कि कौम को एक नया रास्ता दिखे। शुक्रिया दानिश जी, आपकी बात को हम अपनी टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप भी हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। सिलसिला जख्म जख्म जारी है, ये जमीन दूर तक हमारी है। मैं बहुत कम किसी से मिलता हूँ जिससे यारी है उससे यारी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूँ अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल के एपिसोड में हम डॉक्टर जोया हसन की जिंदगी के इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे। देखना ना भूलिएगा हमारा कल का एपिसोड। पतला पतला हर शे की रवानी में है जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। ओ जितना है तेरा हमारा।